आप नेक्स्ट नाइन न्यूज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दर्शकों हमारे चैनल में, यानी कि आज के इस खास प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपके साथ। यानी कि आज इस प्रोग्राम में यानी कि बात कर रहे हैं हम ट्रेंडिंग बॉलीवुड की, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे टीवी से लेकर बॉलीवुड के बीच सुर्खियों में रही सलमान खान के दिल की बेहद करीब रही प्रेरणा फेम श्वेता तिवारी के बारे में। श्वेता के घर पर बीते 2 साल से उतार चढ़ाव का सिलसिला बना है। शुरुआत से ही अपनी निजी जिंदगी में के बाद एक किसी न किसी तकलीफ का सामना करने वाली श्वेता तिवारी की जिंदगी कितनी तकलीफ भरी हमेशा रही है ये आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी श्वेता ने कभी भी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। लेकिन अब चुप्पी तोड़कर हर राज खोल रही है। वो ये जानती है कि अभिनव कोहली उनके अपने पति हैं, उनके अपने बच्चे के पिता हैं। फिर भी श्वेता ने जब तमाम इल्जाम लगे हैं, जब बच्चे की परवरिश की बात हुई है, तो खोल कर रख दिया है हर एक चिट्ठा अपने पति अभिनव कोहली का। तो आज दोस्तों हम आपको बिना देर किए भी ले चलेंगे उस रिपोर्ट की तरफ जिसमें श्वेता के पक्ष में आए सितारों का गुस्सा निकला है अभिनव कोहली की गलत हरकतों पर। क्या कर रहे हैं ऐसा अभिनव, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सीरियल कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा के किरदार से घर घर की चहेती बनने के बाद एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी और एक बेहतरीन कलाकार से आज अपने जिंदगी में श्वेता तिवारी को सफर ऐसे उतार चढ़ाव का करना पड़ रहा है। बिग बॉस के विनर बनने के बाद, रियलिटी शो में डांस से तड़का लगाने के बाद, सीरियल बेगूसराय में काम करने के बाद, सीरियल मेरे डैड की दुल्हन में रोमांटिक अंदाज दिखाने के बाद, फिल्मों से लेकर टीवी टाउन में तहलका मचाने वाली श्वेता की पहली शादी तो बहुत दर्द भरी थी ही। राजा चौधरी के साथ शादी रचाकर बहुत कम उम्र में मां बनकर जिन्होंने जिम्मेदारियां हमेशा बड़ी हमेशा प्ले की हैं, वो श्वेता की जिंदगी में जिम्मेदारियां तो हमेशा बड़ी रही, लेकिन मोहब्बत का सफर लंबे समय तक कभी नहीं मिला। पहले प्यार में धोखा खाई श्वेता तिवारी, राजा चौधरी अपने पहले पति से जो बहुत खाती थे पिटाई, जिन्हें थप्पड़ तक मारा करते थे राजा चौधरी, उन्होंने अपने पहले ससुराल में तो काफ़ी दुख दर्द झेला और उनके पति बहुत ज़्यादा वायलेंट थे, जिसके कारण श्वेता तिवारी को उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन तक करनी पड़ी। लेकिन जब दूसरी शादी साल 2010 के करीब उन्होंने की अभिनव कोहली के साथ, जब उन्होंने नया रिश्ता जोड़ा तो एक्टर प्रोड्यूसर अभिनव कोहली के साथ कुछ साल तो बहुत खुश रही श्वेता, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया। एक के बाद एक आज अभिनव कोहली श्वेता तिवारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को उनसे मिलने नहीं देती श्वेता, उनके साथ बुरा व्यवहार करती हैं। तो ऐसे में श्वेता ने हर इल्ज़ाम का दावा निकाल लिया, हर इल्ज़ाम की सच्चाई खोली है। इल्ज़ाम कितने झूठे हैं श्वेता ने साबित किया है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में श्वेता नजर आएंगी ये कहा जा रहा है, और इसके लिए वो केप टाउन पहुंची हुई है ये भी खबर है। लेकिन अभिनव और श्वेता, इन दोनों पति पत्नी के बीच जंग अब भी जारी है। श्वेता को लेकर हमने आपको पहले बताया कि श्वेता तिवारी ने एक वीडियो शेयर किया था इंस्टाग्राम पर, और उस वीडियो में दिखाया था कैसे अभिनव जबरन श्वेता की गोद से उनके बच्चे रियांश कोहली को छीनकर उनसे खेलने की मांग करते हैं। लेकिन उनकी ये वायलेंट होना, गुस्से में गलत व्यवहार करना श्वेता और अभिनव के बच्चे पर बुरा असर डालता है और रियांश बहुत डर जाते हैं। तो ऐसे में श्वेता तिवारी का ये वीडियो शेयर करने का फैसला टीवी सितारों को बेहतर लगा। टीवी सितारों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। कई बड़े नामी सेलिब्रिटीज़ ने श्वेता तिवारी के सपोर्ट में अभिनव कोहली के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अभिनव को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है अब तक, इस तरह की मांग की जा रही है। फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने लिखा, ये आदमी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। एक्ट्रेस किशोर मर्चेंट ने भी कहा, हे भगवान, और बाकी सब वहां खड़े होकर देख रहे हैं। ये सृष्टि रोड़े ने भी लिखा, ये बहुत निराशाजनक है, स्ट्रांग रहे। करणवीर बोहरा ने भी श्वेता के सपोर्ट में कहा है, और उनकी पत्नी ने भी कहा है, ये पागलपन है और लोगों की मानसिकता को देखकर दुख होता है। वो बेशर्मी से वहाँ खड़े हैं और ये सब देख रहे हैं। कुछ लोग तो वहाँ से चले ही गए, किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की। तो ये है मानसिकता इंडिया की,
ये कहना है श्वेता तिवारी को लेकर अभी सपोर्ट में सेलिब्रिटीज़ का। अभिनव से उनका बेटा कितना डरा हुआ है श्वेता ने ये वीडियो के ज़रिए दिखाया। कुछ कहा नहीं, श्वेता तिवारी ने कहा सच को बाहर आने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने इस भयानक आदमी से अपने बच्चे को हमेशा दूर रखा। श्वेता अपने पति को भयानक बच्चा भयानक आदमी कह रही है। श्वेता तिवारी के पति इससे पहले आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा बुरे शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने श्वेता को लेकर कहा तुम बहुत गिरी हुई हो और भी गिरती ही जा रही हो। साउथ अफ्रीका से करारा श्वेता ने तो जवाब दिया, लेकिन उस पर जो इल्ज़ाम लगे थे बहुत तकलीफ दे हैं। एम्बेरेस किया गया अभिनव की तरफ से श्वेता को। इंस्टाग्राम पर एक लाइव वीडियो में अभिनव ने कहा श्वेता तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहने में कि मैं पैसे खर्च नहीं करता, मैं अपनी मेहनत की कमाई तुम्हारे बैंक अकाउंट में भेजता रहता हूँ। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही एक शो से मिले पैसों से में से 40% तुम्हें भेज दिए। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही श्वेता ने अभिनव पर यह आरोप लगाया था कि वो अपने बच्चे पर एक भी पैसे खर्च नहीं करती। इसी बात पर अभिनव ने जवाब लाइव वीडियो के ज़रिए दिया, जो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। वीडियो को देख लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। अभिनव ने कहा था पैसा हजम भी कर लेती हो और कहती हो पैसे नहीं भेजता, बच्चे पर से तुम खर्च कर रही हो, तुम पहले ही बहुत गिर गई, तुम बस गिरती ही जा रही हो। ये कहकर गुस्सा अभिनव कोहली ने जाहिर किया था। इसके बाद अभिनव कोहली ने इससे भी इनकार किया कि श्वेता ने केपटाउन जाने से पहले उनसे बात की थी और बताया था कि रियांश कहाँ है। अगर ये सच है तो श्वेता दिखाए अपने कॉल रिकॉर्ड। अभिनव ने आगे कहा कि देश में कोरोना की महामारी फैल रही, इस तरह से लोगों की ज़िंदगी खत्म हो रही, कोरोना की तीसरी लहर बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसे में रियांश को छोड़कर चली गई क्योंकि तुम्हें पैसे कमाने थे। अभिनव का ये भी आरोप है कि श्वेता ने उनके बेटे रियांश को जानबूझकर उनसे दूर रखा है। इस तरह के इल्ज़ाम की वजह से श्वेता तिवारी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई हैं और उन्होंने वीडियो शेयर की है कि अभिनव कैसे गुस्से में गलत गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अभिनव कोहली को लेकर आपको बता दें कि अपनी इस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा तरह से बात रखी है। श्वेता तिवारी को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट तो श्वेता के बेटे रियांश के बर्थडे पर भी श्वेता पर इल्ज़ाम उनके पति ने जमकर लगाया था। वहीं आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि कैसे श्वेता तिवारी को लेकर कई बार कई तरह की वीडियो शेयर की गई। जी हाँ, अभिनव कोहली ने कई तरह की वीडियो शेयर की थी और कहा कि मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाएं, मैं से सितंबर तक दूर रखा, कोरोना हुआ तो बच्चा दे दिया, जब बच्चा नहीं आना चाहता तब मैंने बोला आओ उससे समझाओ और प्यार से ले जाओ और मुझे क्या मिला, बच्चे से छीन लिया। ऐसे कहकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ जाहिर करते नजर आए हैं श्वेता बच्चन को लेकर अभिनव कोहली। तुमसे तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था दर्शकों हमारा आज का शो ट्रेंडिंग बॉलीवुड, जिसमें हमने आपको बताया बिग बॉस की विनर श्वेता तिवारी की निजी जीवन में मचलने वाली उथल पुथल के बारे में, जिसमें अभिनव कोहली ने सिर्फ और सिर्फ नफरत भरा है। श्वेता के दिल में कभी मोहब्बत बनकर कदम रखने वाले अभिनव आज सिर्फ और सिर्फ श्वेता के दिल से बाहर हो चुके हैं और अभिनव ही है एक ऐसे उनके जिंदगी के तकलीफ और सिर्फ उनके खुशियों में काटा जिन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही है श्वेता, और इसलिए वो दर्द छलकाई है इस तरह। खैर, जल्द ही न्याय मिले, सच्चाई की जीत हो, हम यही दुआ करेंगे। आपका क्या कहना है श्वेता की दशा पर, बच्चे को लेकर, उनके बारे में वीडियो पर, हमें जरूर आप बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।